हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मटर मखाने की स्पेशल सब्जी बनाने वाले हैं पार्टी स्टाइल। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमने 1.5 कप मखाना लिया है और 1 कप हमने मटर ली है और 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 15 हमने काजू का पेस्ट बनाया है। अब हमने एक पैन ले लिया है। हम पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब हम इसमें मखाने डाल लेते हैं। मखाने हमें सिम फ्लेम पे ही भूनने हैं, नहीं तो ये ऊपर से काले काले हो जाएंगे, जल जाएंगे। घी में मखाने अच्छे से भून जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। मखाने हमारे भुन चुके हैं। हम मखाने को ऐसे पहचान सकते हैं कि भुन गए हैं। इनको क्रश करके देख लें, अगर ये फूटने लगें तो ये भुन गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने सरसों को ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम सिम कर देंगे। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया है टमाटर काजू का, अब हम ये भी डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें मसाला तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग ना होने लग जाए। मसाला हमारा भून चुका है। अब हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ली है, इसको हम क्रश करके डालेंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी में। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आप थोड़ी मिर्च और डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें मटर भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी डालेंगे इसमें 1.5 कप। आप अपने हिसाब से इसको पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। अब हम 3-4 मिनट के लिए इसको ढककर कुक कर लेंगे क्योंकि मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 3-4 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल लेंगे या फिर स्वाद अनुसार और मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं हम। 3-4 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं मटर गली की नहीं गली। मटर लेके हम उसको क्रश करके देख लेंगे। मटर हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें ये मखाने डाल देंगे। सबसे एंड में हमें मखाने डालने हैं। अगर हम पहले मखाने डाल देंगे तो ये ज़्यादा गल जाते हैं, इसलिए हमें एंड में मखाने डालने हैं। अब हम 1 चुटकी गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब हम हरा धनिया डाल देते हैं इसमें। हरा धनिया हमने ये कट कर लिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और बाउल में सर्व कर लेते हैं। मटर मखाने की सब्जी हमने बाउल में सर्व कर ली है। आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ या फिर नान के साथ किसी भी चीज़ के साथ ऐसे ही बना के एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।